प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग। इसके पहले हम लोगों ने अनेक भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात किए। आज हम लोग विमाओं के उपयोग में तमाम उपयोग हैं, तो पहले पढ़ेंगे हम लोग भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी भौतिक समीकरण सत्य है कि असत्य है, इसको हम विमाओं के द्वारा जांच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए F बराबर होता है ma, F बराबर ma, बल बराबर यह क्या है, बल है बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यह समीकरण F बराबर m गुणे a होता है कि m बटा a होता है, ये सही है कि गलत है, इसकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। जैसे सूत्र लिखने पर दोनों विमेय सूत्र लिखें, बल है, बल का विमेय सूत्र होता है MLT पर ऋण 2 घात बराबर, यह m द्रव्यमान है m और यह त्वरण है, त्वरण का होता है LT पर ऋण 2 घात। इसको MLT पर ऋण 2 घात और इसको भी एक कोष्टक में कर लें तो यह भी आया MLT पर ऋण 2 घात। देख रहे हैं दोनों पक्षों की विमेय का विमेय सूत्र समान आ रहा है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं समान है, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः समीकरण सत्य। अगर दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं आती हैं तो ये जो समीकरण है ये सत्य नहीं होगा। इस तरह से किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। दूसरा उपयोग आ जाता है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, जैसे कोई भौतिक राशि है, हमको ये पता लगे कि कोई भौतिक राशि ए अन्य भौतिक राशि बी तथा सी पर निर्भर करती है, ए बी और सी पर निर्भर कर रही है, तो ए बी सी में क्या संबंध होगा, इसको हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लें कि गतिज ऊर्जा ई वस्तु के द्रव्यमान एम तथा वेग v पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण ज्ञात करना, तो मान लें कि माना गतिज ऊर्जा E
वस्तु के द्रव्यमान के, द्रव्यमान यम के ए घात तथा वेग वी के बी घात पर निर्भर करते हैं। तब क्या हो जाएगा, ई समानुपाते एम पर ए घात, वी पर बी घात, या एम बराबर के, ई बराबर के एम पर ए घात और वी पर बी घात। ये हो गया आपका समीकरण ए। अब हम दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिख दें कि ई ऊर्जा है, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी पर ऋण दो घात, और ये बराबर होगा के, और यम है द्रव्यमान एम पर ए घात, और यह है गतिज ऊर्जा वेग, वेग होता है एल टी पर ऋण एक घात पूरे पर बी घात। ये हो गया के एम पर ए घात, एल पर बी घात और टी पर ऋण बी घात। यह हो गया। फिर दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करते हैं, विमाओं की तुलना करने पर, तुलना करें, यहाँ कोई घात नहीं है, एक घात होगी, तो यहाँ ए घात है तो ए बराबर क्या हो गया, एक, ए बराबर एक, और बी बराबर यहाँ क्या है, बी बराबर यहाँ दो है, एल पर दो घात है, यहाँ एल पर बी घात है, यानी बी बराबर हो जाएगा दो। तो समीकरण एक से हो जाएगा ई बराबर के एम भी स्क्वायर, के एम भी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, प्रयोगों द्वारा के बराबर एक बटा दो आता है, अतः ई बराबर हो जाएगा एक बटा दो एम भी स्क्वायर। ये हो गया आपका भौतिक राशियों में संबंध। इसी तरह से और भी तमाम उपयोग हैं जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।